वालेकुम। सो हम रेडी होकर निकल चुके हैं। अभी टाइम हो रहा है 9:15 AM, सुबह सुबह का टाइम है और हम जा रहे हैं सरवाड़ शरीफ। सो अजमेर शरीफ से सरवाड़ शरीफ जाने के लिए 1.5 से 2 घंटा लग जाता है। डिपेंड्स आपकी कार कौन सी है और कौन चला रहा है। हमारा वाला ड्राइवर सुपर फास्ट था, सो हम लोग 1 घंटा 15 मिनट में वहाँ पहुँच गए थे और माशाल्लाह सफ़र बहुत अच्छा रहा। और आप देख सकते हो ये बुलंद दरवाज़ा। सो हम यहाँ से एंटर होंगे और माशाल्लाह ये काफ़ी बुलंद अजीमुशान दरवाज़ा है जो दरगाह का मेन गेट है। और अभी आगे आप देखते रहिए सहन वगैरह। यहाँ का निज़ाम जो है बहुत अच्छा किया हुआ है। ये जो रास्ता है सीधा मज़ार शरीफ की तरफ जाता है। बुलंद दरवाज़े पर काफ़ी सारे जो है मधुमक्खी के छत्ते थे, हनी बी के। और मैं जूम करने की कोशिश कर रही हूँ, अगर आपको दिख रहा होगा तो ऊपर तक फैले हुए थे। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत नक़ाशी की हुई है पूरे दरवाज़े पर। और हमें इंफॉर्मेशन मिली वहाँ से कि जब ये इमारत बन रही थी तो सिर्फ ये जो बुलंद दरवाज़ा है इसे बनाने के लिए माशाल्लाह 9 करोड़ रुपए एक चाहने वाले ने दिए थे। सो माशाल्लाह काफ़ी खूबसूरत बुलंद दरवाज़ा है ये। आगे की वीडियो में आपको मैं बताऊंगी कि अगर एक इंसान इसके नीचे खड़ा रहता है तो वो कितनी सी हाइट का दिखता है और ये दरवाज़े की हाइट क्या है। चलो लेट्स गो इनसाइड। यहाँ पर ओवेज़ और साकिब जो है वो वज़ू कर रहे हैं और हम आगे चल के आपको दरगाह शरीफ और आस्थाना बताते हैं। हाइट का अंदाज़ा आप लगा दीजिए। देखिए नीचे लोग खड़े हैं और ऊपर दरवाजे की हाइट देखिए माशाल्लाह। सहन जो है माशाल्लाह काफ़ी साफ़ सुथरा और बड़ा है। ऊपर उस तरफ जो आपको दिख रहा है ना, जो थोड़ी सी हाइट पर समझिए फर्स्ट फ्लोर पर है, वहाँ पर औरतों के लिए अलग से इबादत का बनी हुई है। और माशाल्लाह अभी हम आस्थाने के बिल्कुल सामने हैं और ऊपर की डेकोरेशन देखिए माशाल्लाह इतना प्यारा मिरर वर्क किया हुआ है ना कि नज़रें नहीं हट रही थी, इतना खूबसूरत काम किया हुआ है। सहन के बैक साइड जो है ये छोटी सी एक झील बनी हुई है और यहाँ पर काफ़ी सारी मछलियाँ हैं। यहाँ पर बोटिंग होती है और थोड़े से डक्स भी थे। सो माशाल्लाह काफ़ी सुकून वाली जगह है ये। आस्थाने के चारों तरफ माशाल्लाह काफ़ी सारी ऐसी जगह दी हुई है जहाँ पर लोग बैठकर यासीन शरीफ की तिलावत करते हैं, फातिहा पढ़ते हैं। अब मैं बैक साइड से बताती हूँ माशाल्लाह वो जो बुलंद दरवाज़ा है वो कैसे खूबसूरत दिखता है। काफ़ी दूरी से शॉट ली हूँ मैंने, सो इस तरीके से पूरा आ पाया है, वरना वो इतना माशाल्लाह इतना बुलंद है कि कैमरे में फिट ही नहीं हो पा रहा था कोई भी एंगल से। और आप देखोगे ना तो आस्थाने के चारों तरफ कुरान शरीफ की आयत लिखी हुई है। यहाँ पर यासीन शरीफ
की पूरी पूरी आयतें लिखी हुई है, अंदर जो है वो आयतल कुर्सी की पूरी पूरी आयतें लिखी हुई थी। सो माशाल्लाह काफ़ी अच्छे से सब कुछ मेंटेन किया हुआ है। यहाँ के खादिम भी बहुत ही अच्छे थे, बहुत मेहमान नवाज थे। सो सच्ची में आप अगर अजमेर शरीफ आओ तो सरवार शरीफ ज़रूर आना ज़ियारत के लिए। तो अभी हम जा रहे हैं, यहाँ पर भी हमने छोटा सा लंगर करने की कोशिश की है। सो वहीं जाकर देखते हैं कि नियाज तैयार है क्या, फिर वहाँ चलकर फातिहा दिलाएंगे और इंशाल्लाह लंगर बांटेंगे। ये वीडियो दिखाने का मकसद शो ऑफ करना बिल्कुल नहीं है। ये वीडियो मैं इसके लिए डाल रही हूँ ताकि और भी लोग मोटिवेट हो और जो है गरीबों के बारे में सोचे और गरीबों और ज़रूरतमंदों को ज़रूर खाना खिलाएं। तो इस दरगाह में भी एक इस तरीके की देख है जिसमें आप अपना हिस्सा डाल सकते हो और जब भी नियाज बनेगी तो आप उसमें शामिल रहोगे। कुछ 2.5-3 घंटे के बाद हम यहाँ से फिर चले गए। मैं बैक साइड से आपको यहाँ का नज़ारा बताती हूँ। माशाल्लाह वो गुंबद शरीफ आपको दिख रहा है और बुलंद दरवाज़ा भी। सो हम वहाँ गए हुए थे और बैक साइड से इसका नज़ारा बहुत खूबसूरत लगता है। सो अब हम जा रहे हैं दूसरे डेस्टिनेशन पर और दूसरे दरगाह पर जा रहे हैं ज़ियारत करने के लिए। उसका वीडियो जो है पार्ट 2 में आएगा, ज़रूर देखना। थैंक यू। बुलंद दरवाजे के बाहर जो है वहाँ पर ये छोटा सा मार्केट है। यहाँ पर जो है वो बहुत छोटी छोटी बस्तियाँ हैं सरवार शरीफ में, और आपको यहाँ पर चाय, गरम मसाला और यहाँ का जो स्पेशल है ना वो हर तरह की रोटी है। आपको गरम गरम जवार, बाजरा, मकई की रोटी यहाँ पर मिल जाएगी। बहुत छोटे छोटे से ढाबे स्टाइल के छोटे छोटे स्टॉल है और लंगर खाने हैं। सो यहाँ का जो है वो गरम मसाला काफ़ी फेमस है। सो हम लोग भी ट्राई कर रहे थे, देख रहे थे कि क्या है और कैसा है, और इसके बाद आपको बताती हूँ कैसे गरम गरम रोटियाँ बनती है। सो ये आपके सामने ही आपको रोटियाँ बना के दी जाती है। सामने आप देख सकते हो जवार और मकई की जो है वो रोटी बनकर रेडी है। तो यहाँ पर आओगे तो ये ज़रूर ट्राई करना। उसके बाद ये एक यहाँ का फेमस ढाबा है जहाँ पर हर सेलिब्रिटी के साथ इनकी फ़ोटो लगी हुई है। सो लास्ट टाइम जब मैं आई थी तब मैंने यहाँ का खाना टेस्ट करी थी, ठीक था। और ऐसे ही छोटे छोटे से यहाँ पर स्टॉल्स हैं और कुछ ज़्यादा ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। यहाँ पर गुर्बत भी थोड़ी ज़्यादा है, सिटी टाइप यहाँ पर कुछ भी नहीं है। सो आओगे तो लोगों की मदद ज़रूर करना। और यहाँ पर फिर से हम दूसरी तरफ जा रहे थे डेस्टिनेशन पर, तो रास्ते के लिए हमने थोड़े से स्नैक्स ले लिए, थोड़े से बेर ले लिए और फिर मस्ती करते करते और हम दूसरी तरफ निकल गए। सो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना। वीडियो बहुत बड़ा हो जाता अगर मैं पूरे दिन का व्लॉग डालती। सो मैं पार्ट में डाल रही हूँ, ये पार्ट 1 हो गया। अब पार्ट 2 इंशाल्लाह अपलोड होगा। तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।